नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। झारखंड के 9 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी, भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान की घटनाक्रम से हम सभी चिंतित। आरआरबी एनटीपीसी विवाद के कारण रेल मंत्री आज दूरदर्शन से रखेंगे अपनी बात, सीबीटी को लेकर रेलवे ने बनाई कमेटी, अभ्यर्थी चिंताओं के साथ ही सुझाव भी भेज सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विरोध के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई शुरू, भोजपुर में 700, नवादा में 500 अज्ञात पर एफआईआर। सोनिया गांधी ने कल बुलाई कांग्रेस रणनीति समूह की अहम बैठक, पूर्व पीएम मनमोहन भी होंगे शामिल। कमजोर विदेशी संकेतों से शेयर बाजार में तेजी से गिरावट, निफ्टी 17,150 के नीचे हुआ बंद। दिल्ली वासियों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सरकार आज 75 स्थानों पर लगाएगी 115 फीट ऊंचा तिरंगा। बंगाल में राज्यपाल ने फिर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, मांगी सूचना नहीं देने का लगाया आरोप। अमेरिका और रूस के बीच बड़ी टेंशन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की दो टू, कहा यूक्रेन संकट से निपटने के लिए तैयार। यूएस फेड के फैसले के बाद सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1,000 रुपए से ज्यादा टूटे भाव। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 15 से 18 साल वाले किशोर दिखा रहे उत्साह, 24 दिनों में 4,36,00,000 से अधिक के लगवाया टीका। राजस्थान में 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी, जल्द ट्रांसफर पॉलिसी फाइनल करेगा शिक्षा विभाग। उत्तर कोरिया की हथियारों की नुमाया से जारी, इस महीने छठी बार किया मिसाइल परीक्षण। बंगाल में अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो देनी होगी 10 गुना ज्यादा पेनल्टी, 500 की जगह 5,000 देना होगा जुर्माना। राहुल गांधी की अमृतसर बैठक से गायब रहे 5 वरिष्ठ सांसद, एक एमपी ने कहा हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। दुनिया की जासूसी के लिए चीन ने बनाया बड़ा प्लान, स्पेस में 13,000 सैटेलाइटों के जरिए बना रहा मेगा कॉन्स्टेलेशन। यूपी इलेक्शन से पहले श्री कृष्ण की नगरी में बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले आजम मुख्तार जैसे माफियाओं पर कार्रवाई होने से अखिलेश के पेट में होता है दर्द। बोट की पेरेंट कंपनी लेकर आने वाली है आईपीओ, 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। दिल्ली में नो मोर वीकेंड कर्फ्यू, फिर खुलेंगे मनोरंजन के द्वार, रेस्टोरेंट बार और सिनेमा हॉल होंगे री ओपन। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेज। महाराष्ट्र में निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मालेगांव शहर की मेयर समेत 28 पार्षद एनसीपी में शामिल। बंगाल में दुआरे सरकार की तर्ज पर घरों पर शराब पहुंचाएगी ममता बनर्जी सरकार। भारत में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को हुई सजा, अदालत ने सुनाई 2.5 साल कैद की सजा। केरल में कोझिकोड बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी समेत 2 बरी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। टाटा के हाथों सौंपा गया एयर इंडिया, एयरलाइन के संचालन के लिए टाटा ग्रुप को एसबीआई कंसोर्टियम से मिलेगा लोन। पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं ने इमरान सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, 23 मार्च से होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के मीरान तरोन को किया मुक्त, सीमा पर भारतीय सेना को लौटाया। मैं चवनी नहीं जो पलट जाऊं, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के बयान पर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी का पलटवार।
आरआरबी एनटीपीसी विवाद के बीच रेल मंत्री आज दूरदर्शन से रखेंगे अपनी बात। सीबीटी को लेकर रेलवे ने बनाई कमेटी, अभ्यर्थी चिंताओं के साथ ही सुझाव भी भेज सकेंगे। बंगाल में मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती, पद्मश्री लेने से कर दिया था इनकार। ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा हम बाई बर्थ और बाई चॉइस भारतीय है, हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना को नहीं लाते। बांके बिहारी की नगरी मथुरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जमकर किया बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार। यूपी में अरुण राजभर बोले बीजेपी ने पिछड़े वर्गों के साथ किया धोखा, हम अखिलेश यादव के साथ हैं और रहेंगे। छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन होंगी बोर्ड परीक्षाएं, छात्रों को असाइनमेंट जमा कराना होगा जरूरी। किसानों के लिए आई खुशखबरी, जामुन की खेती करने वालों को भी मिलेगी सब्सिडी। अब खुले बाजार में बिकेगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, डीसीजीआई ने कई शर्तों के साथ दी मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने जारी किया 56 उम्मीदवारों का एक और लिस्ट, गोसाईगंज से अभय सिंह को मैदान में उतारा। जकार्ता से बोर्नियो शिफ्ट होगी इंडोनेशिया की राजधानी, प्राकृतिक आपदाओं और प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहरीली शराब को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, आरोपियों पर लगेगा एनएसए, बड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। दिल्ली में स्कूल खोलने पर अभी नहीं बनी सहमति, डीडीएमए की अगली बैठक में होगी इस पर चर्चा। भारतीय थीम पर बेस्ड इंडस बैटल रॉयल गेम जल्द होगा रिलीज, बीजीएमआई को मिलेगी सीधी टक्कर। राजस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगे को सलामी देना भूले यूडीएच मंत्री धारीवाल, सुरक्षा गार्ड ने मंच पर चढ़कर दिलाया याद। चुनाव के बाद भी आप नहीं करेगी सपा के साथ यूपी में गठबंधन, बोले संजय सिंह, कहा हम 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी ने ट्विटर से की फॉलोअर्स कम होने की शिकायत, बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई लोगों ने दी प्रतिक्रिया। चीन की एक बार फिर से चाल आई सामने, पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप, हथियारों में भारत के बराबर बनाकर ड्रैगन कई लक्ष्यों को साधना चाह रहा। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का दावा, हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, 10 मार्च को यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में मिली एक रहस्यमयी वस्तु, हर 20 मिनट में भेज रही रेडियो सिग्नल, वैज्ञानिक हैरान। राजस्थान में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 13,049 नए मरीज, राज्य में 90% मृतकों को लगे हैं वैक्सीन की दोनों डोज। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद, कश्मीर के कई हिस्सों में माइनस के नीचे गया पारा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।